स्टूडियो में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो कि री एग्जाम अभी होने वाला है, उसमें जो लोग एग्जाम में बैठे थे क्या वही लोग एग्जाम फिर दे पाएंगे री एग्जाम, या सभी लोग री एग्जाम दे पाएंगे? और साथ ही एक बड़ा प्रश्न आ रहा है कि फिर से फॉर्म भरने का लिंक भी ओपन किया जाएगा, ये बात जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। तो भी बात करें री एग्जाम के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो कि इस तरह की बातें चल रही हैं। एक बार और हो चुका है, जब BDO का एक बार एग्जाम हुआ था और उसमें इस तरह की धांधली हुई थी, तो फिर से री एग्जाम कराया गया था और उसमें ऐसे लोग ही बैठ पाए थे एग्जाम में, री एग्जाम में, जो पहली बार एग्जाम दिए थे, जो कि पेपर लीक हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस तरह का काम जरूर किया जाए कि जो अभी री एग्जाम होने वाला है उसमें वही लोग एलिजिबल होंगे, वही लोग बैठ पाएंगे एग्जाम में जो पहली परीक्षा दे चुके हैं, यानी कि जो लीक हुआ था। और रही बात फॉर्म भरने का जो लिंक है फिर से ओपन किया जाएगा, तो ये बात लगभग लगभग ना के बराबर है, ऐसा कोई लिंक नहीं ओपन किया जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि सबको बैठने दिया जाए एग्जाम में, इसका अभी वेट रहेगा, अभी कोई नोटिफिकेशन इस तरह का नहीं आया है, लेकिन जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा कुछ चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो फिलहाल ये दो जानकारियाँ हैं जो कि कैंडिडेट के बीच काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिस पर वीडियो बन रहा है। बाकी आपकी क्या राय है दोनों बातों पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।